हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी चना दाल की सब्जी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है चने की दाल। तो दाल को हमें एक घंटे तक भिगो लेना है। तो इसमें पानी डाल के हम साइड पर रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लौकी को छील के छोटे छोटे पीसेस कर लिए है। तो लौकी को मैंने काट लिया है। अब हम चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर कुकर में तेल ले लिया है। तेल गरम हो जाए फिर इसमें ऐड करेंगे हींग। इसके बाद राई और जीरा ऐड करेंगे। गार्लिक की पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। गार्लिक को लो फ्लेम पर अच्छे से सौते कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बड़े साइज का टमाटर लिया है, वो ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम चने की दाल ऐड कर देंगे। दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम लौकी ऐड करेंगे। तो लौकी ऐड करने के बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कप जितना पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद एक बॉईल आ जाए फिर हम कुकर को बंद कर देंगे। तो ढक्कन को बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 विसल कर लेंगे। तीन विसल हो गई है और हमारी सब्जी भी अच्छे से कुक हो गई है, आप देख सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे तो हमारी सब्जी सर्व करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना।